रजब और हैदर और डॉगर इनकी तीनों की दोस्ती को क्या हुआ? बिजी हैं क्योंकि रजब भाई की शादी है तो इस वजह से वो थोड़ा बिजी हैं। डॉगर अपने काम में बिजी है, हैदर भाई अपने काम में बिजी है। तो सोशल मीडिया इस पे व्यूअरशिप हासिल की जाती है और कुछ नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे व्यूअरशिप हासिल होती है। ये हम कहते हैं कि रजब और हैदर की लड़ाई हुई, कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ व्यूअरशिप हासिल करने के लिए। शाजी भी ऐसा ही हुआ है कि व्यूअरशिप हासिल करने के लिए और कुछ नहीं है। जी वेलकम टू बैक एंड अदर व्लॉग। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बैक कन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। हाँ जी दोस्तों, सब कह रहे हैं और सब दोस्त जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, यही कहती है कि आप रजब के हक में वीडियो क्यों बनाते हो, आप रजब 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 क्यों लगाते हो। भाई वो मेरा उस्ताद है जिसने मुझे सपोर्ट किया है, मैं उसके साथ हमेशा दूँगा। रजा भाई ने हमेशा मुझे साथ, मेरा साथ दिया और रजा फैमिली ने बहुत साथ दिया। रजा फैमिली थैंक्स, दिल से थैंक्स, और अदील यूट्यूब फैमिली थैंक्स, आपकी मेहरबानी, आप मुझे सपोर्ट करते हैं। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ना इंसान की ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। तो रजब और हैदर और डॉगर इनकी तीनों की दोस्ती को क्या हुआ, किसकी नज़र लगी? ऐसा है कि शेजी पहले चला गया था, फिर जब शेजी वापस आया तो रजब और हैदर की दरमियान में क्या हुआ वो मैं आपको क्लियर कर दूं। जब शेजी और रजब भाई की आपस में नहीं बनती थी उस वक्त रजब, डॉगर, हैदर ये तीनों एक साथ थे। अब शेजी वापस आया और डॉगर और हैदर दोनों एक साइड पे हो गए। किस वजह से? सब यूट्यूबर, सब यूट्यूब फैमिली यही कह रही है कि यार क्या हुआ है, लड़ाई हुई, क्या हुआ है ऐसा? नहीं यार, वो थोड़ा बिजी हैं क्योंकि रजा भाई की शादी है तो इस वजह से वो थोड़ा बिजी हैं। डॉगर अपने काम में बिजी है, हैदर भाई अपने काम में बिजी है। हाँ, शेजी वापस आ गया, वो सिर्फ व्यूअरशिप हासिल करने के लिए और कुछ नहीं है। ये मेरी जो रजा फैमिली है, मेरी वीडियो देख रही है, यार ये जो सोशल मीडिया इस पर व्यूअरशिप हासिल की जाती है और कुछ नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे व्यूअरशिप हासिल होती है। ये हम कहते हैं कि रजब और हैदर की लड़ाई हुई, कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ व्यूअरशिप हासिल करने के लिए। शेजी भी ऐसा ही हुआ है कि व्यूअरशिप हासिल करने के लिए और कुछ नहीं है। शेजी क्यों गया, किस वजह से गया? सिर्फ व्यूअरशिप हासिल करने के लिए। तो इसलिए मैं रजब भाई का हमेशा साथ देता हूँ और रजब भाई के हक में वीडियो बनाता हूँ और रजब फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। सिर्फ हर बंदे को यार वही है कि कहीं ना कहीं से ना प्रमोशन मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रजब भाई हमें पहले भी सपोर्ट करते हैं और अब भी सपोर्ट कर रहे हैं दिल से। 10 यूट्यूबर्स में आते हैं रजब भाई, टॉप 10। और टॉप 10 में क्या है, एक डकी भाई, रजब भाई, माज सफदर और फिजर उमर और भी बहुत बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं। हमेशा रजब फैमिली के हक़ में वीडियो बनाऊँगा। जिसने जो करना है, जिसने जो कमेंट्स करना है, जिसने जो तंज करना है, करो यार, उसको सपोर्ट करते हैं। जो हमारा साथ देते हैं हम उसका साथ देते हैं। तो जल्द थल जीप रैली आने वाली है हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ में, तो इंशाल्लाह अब अच्छे और अच्छे व्लॉग आएंगे, इससे अच्छे व्लॉग थल जीप रैली के। तो जिस भाई ने थल जीप रैली की वीडियो देखनी है और मेरे यूट्यूब चैनल पर, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बैक कन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली और प्यारी अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम, दुआ में याद रखें।